इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज और आईएनएन 7 में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर कोरोना ने क्या क्या नहीं दिखाया। अब जिंदा थे तो इंसान को अपनी दौलत, अपने मर्तबे पर बड़ा तकब्बुर हुआ करता था। अब तो इंसान की मौत ही सस्ती हुई और कोई पॉजिटिव आता है तो समझो अछूते की तरह बर्ताव किया जा रहा है। ऐसे कई वाक्य पेश आ रहे हैं जिसमें पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद भी माशरे में अजीब नजरिए से देखा जा रहा है, जिसको बर्दाश्त ना कर कई मामले खुदकुशी के होते देखा जा रहा है। कुछ तो कोरोना के डर से ही मौत के आगोश में जा रहा है। ऐसा नहीं कि सभी कोरोना से ही मर रहे हैं, पर डर ने इन्हें मौत तक पहुंचाने का काम किया है। मौत सच्चाई है और कहीं भी आ सकती है, इसके कई सारे वजूहत हो सकते हैं। मौत बहाना तलाशती है, किसी न किसी बहाने से मौत उचक लेती है। पर क्या इंसान को मौत के बाद क्या होता है मालूम है? कबर हशर आखिरत से पहले इंसान को आखिरी रसूमात के साथ तदफीन की जाती है। कितने लोग तदफीन में शुमार हुए इस पर भी इंसान की मकबूलियत का अंदाजा लगाया जाता है। पर कोरोना ने तमाम मायने ही बदल दिए। यम के हुबली में साइकिल पर कोरोना से मरने वाली खातून की लाश को ले जाया गया। यह तस्वीर देखकर इतना जरूर लगने लगा है कि वाकई क्या अब इंसानियत मर चुकी है? क्या इंसानी जिंदगी मौत में तब्दील होकर जिस्म मयत कहलाने लगता है तो इसकी कोई अहमियत नहीं रहती? आखिर इंसान में एहसास खत्म होने लगा है। शमशान कब्रिस्तान में लाशों के ढेर लगे हुए हैं। कहीं जगहों पर बुजुर्ग माँ बाप की लाश को चिता देने के लिए औलाद तक नहीं पहुंच रही। साइकिल पे लाश को बांध कर शमशान ले जाने वाली तस्वीर ने फिर से एक बार जमाने की बेहिसी को बयान किया है। यह पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले व्यथनी में एक खातून ने अपने शोहर की लाश को खुद हाथ गाड़ी के जरिए शमशान ले जाया। कईयों को यह फिल्मी सीन लग रहा हो, पर इंतजामिया इंसानियत की बेहिसी की इससे बदतर तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी। हम आसाम, यूपी, बिहार की खबरों के जरिए अखबारों में इस तरह की तस्वीरें देखा करते थे, पर अब बेलगाम जिला में ऐसी वारदातें पेश आ रही है, इसको क्या कहा जाए? अब सवाल सेहत महकमा, जिला सेहत आमिला और हुकूमत का है। 15 अगस्त को वजीर आजम हेल्थ कार्ड का ऐलान करते, इससे पहले भी हजारों करोड़ रुपयों के ऐलान बारह सुनते आए, पर जमीनी सच्चाई यह है कि इंसान मर रहा है और इसे आखिरी रसूमात भी मयसर नहीं हो रहे। गोदी मीडिया कभी हुकूमत से सवाल नहीं करेगी, इसे तो हिंदू मुस्लिम की बहसों से फुर्सत नहीं। अब तो बहस भी इतनी खतरनाक कर दी गई है कि सत्ता से सवाल पूछने पर इस तरह घेरा जाता है कि सवाल करने वालों को मौत हो जाती है। सत्ता से सवाल जुर्म बन जाता है तो समझो लोकतंत्र आखिरी सांसें ले रहा है। मुल्क इंतहाई खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अवाम भी राशन के बदले भाषण पर ही खुश दिखाई दे रही है। अवाम आज भी खामोश है। इसका मतलब यही होता है कि अवाम में अभी सब्र है या तो इसे धर्म की अफीम का नशा चढ़ा हुआ है। बेलगाम जिले वजीर ने अफसोस का इजहार किया है, पर क्या सिर्फ अफसोस करने से मसाइल हल हो जाते हैं? किसी इंसान की लाश को साइकिल से या हाथगाड़ी से ले जाना गोया इंसानियत की तौहीन है। पर अब ऐसा लग रहा है कि बेहिसी इंतहा पर पहुंची है। सब कुछ ठीक है का नारा प्रधानमंत्री की जानिब से दिया जा रहा है। अवाम सभी मजालिम खामोशी से सह रही है। अवाम जब बेहिस हो जाती है तो जुल्म का एहसास नहीं होता। कई मौतों के लिए खुद हुकूमत ही नजर आ रही है। आखिर एम्बुलेंस सही वक्त पर क्यों नहीं पहुंच पाती? आखिर कितनी मौतें एम्बुलेंस ना पहुंचाने से होने वाली है या हो रही है? अगर एम्बुलेंस ना काफी है तो हुकूमत इसमें इजाफा क्यों नहीं करती? लिहाजा बेलगाम जिला में साइकिल पर लाश को ले जाने की तस्वीर ने फिर बेलगाम सेहत महकमा पर सवालिया निशान खड़े किए, जिसके लिए सिर्फ हुकूमतें जिम्मेदार हैं और आवाम भी सवाल जरूर पूछे, वरना तुम्हारे खामोशी कल को तुम्हारी लाश को साइकिल पर ले जाने पर मजबूर ना करे। आवाम यही कह रही है कि इत्मीनान से जिंदगी जीने नहीं दे रहे तो कम से कम मौत तो सही दे दो। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।